शाह, मैं ज़ुबैदा आपा के बारे में तो ये बताया कि मैम उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ र्यूमर मिल्स कैसे काम करती हैं, फिर पता चलता था नहीं जी ऐसी बात नहीं है, और फिर जैसे आपने बताया कि जब उनको उनका थर्ड हार्ट अटैक भी आया तो इवन एट दैट डे एट दैट वेरी टाइम वो कुकिंग भी कर रही थी। सो वो तो जितनी वो एक्टिव थी और उनको देख के भी लगता था कि वो अपने अपना बड़ा ख्याल रखती हैं अपनी डाइट का भी। सो वर यू रेडी फॉर इट कि एकदम अम्मी तो इतनी रिजिलियंट थी कि अम्मी हर चीज़ में से निकल आती थी। अम्मी को डेंगू हुआ था, अम्मी निकल आई थी, फिर मार्च में ही हार्ट अटैक दो हुए एक्चुअली, एक हम पकड़ नहीं पाए और दूसरा जब पकड़ा है तो डैमेज हो चुका था हार्ट। लेकिन ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं थी टू लिव विथ, बहुत लोगों के साथ होता है। शी डायबिटीज? नो नथिंग। तो पता कैसे नहीं चला फिर? शी हैड पेन जो कि हमने गैस्ट्रिक समझा, और जो हम एक हॉस्पिटल में भी गए उन्होंने भी कहा गैस्ट्रिक है, उन्होंने जो भी टेस्ट किए उन्होंने कहा वो सही था। लेकिन एक बड़ा क्रूशल टेस्ट होता है जिसको कार्डियक एंजाइम्स कहते हैं, और उन्होंने वो नहीं किया था, एंड वी पेड थ्रू द नोज। ओके, सो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। And we brought her back home. She still had pain. Next day it became worse. And that's when we took her to Aga Khan. And they said that she'd already had one and this is the second one. Oh. So, bas yehi tha ki dawaiyan hain, cheezein hain, she will come up and she continued working. Ammi ke liye bahut zaruri tha, ammi ke log, ammi ki baatein, ammi ka kaam. Aur in the last 2-3 months, I think, उनके प्रोग्राम्स को कट डाउन किया कि शी इज़ नॉट कीपिंग अप हेल्थ वाइज बिकॉज शी वाज लूजिंग वेट, बट शी वाज अदरवाइज फाइन। आई थिंक अम्मी को वो बहुत बड़ी हिट लगी बिकॉज अम्मी वाज यूज्ड टू अ रूटीन एंड अम्मी को मैटर करता था लोगों से बात करना। अम्मी का फ़ोन बजता था सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक। हाँ, वो अक्सर बताती थी कि लोग हर किस्म के कॉल्स होते थे। एक साहिबा का तो कॉल आया कि मेरे घर में कॉकरोच बहुत हो गए, अम्मी ने कहा ये कर लो, अच्छा झींगर भी हैं, अच्छा ये कर लो, अच्छा वो सुंडियाँ हो गई। अम्मी ने कहा बेटे घर जमीन के ऊपर इतने कीड़े ज़ुबैदा आपा का बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, तो ये आपने सेंस ऑफ ह्यूमर से लिया उनका? ये पता नहीं मुझे। तो अम्मी का वो माशा, और अम्मी को इतने लोगों ने कहा कि जी आप यूनिवर्सल नंबर ले लें, यू विल अर्न। तो अम्मी रिफ्यूज्ड एवरी टाइम। अम्मी सेड कि यू नो दिस इज माई लाइफ लाइन, दिस इज हाउ आई कनेक्ट टू पीपल, आई डोंट वॉन्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। बट फिर जिस दिन अम्मी रात में खाने पे बैठी हैं जब फाइनल हार्ट अटैक हुआ है, एंड हर नर्स कॉल्ड अस एंड आई रैन आउट, हुसैन वाज समवेयर, हुसैन रैन टू द हॉस्पिटल एंड द ड्राइवर एंड द नर्स, अम्मी उनके साथ गाड़ी में बैठी हैं। अम्मी हॉस्पिटल मैं पहले पहुंची हूँ, फिर अम्मी की गाड़ी आई है, मैंने अम्मी को खुद उतारा है, लेकिन अम्मी वाज स्क्रीमिंग। अब मैंने अम्मी को कभी चीखते हुए नहीं सुना था, और अम्मी को बहुत तकलीफ थी। और बस हम चल के, फिर मैंने कहा अम्मी व्हील चेयर मंगा दूँ, एंड आई थॉट अम्मी कहेंगी पागल हो, बट शी सेड हाँ मंगा दो, एंड वी व्हील्ड हर इन। और 11 o'clock 11:21 शी क्लोज्ड हर आइज। आई थॉट के थोड़ा आराम आ गया है, दर्द कम हुआ है, दवाइयाँ दे रहे थे डॉक्टर्स, और मैं बाहर आके बैठी हूँ, और मैं इतनी बेवकूफ़ी की बातें सोच रही हूँ कि कल सुबह छुट्टी करूँ कि सुबह जाके अस्पताल पहुँचूँ, यू नो कितने हम लोग स्टूपिड बातें सोच रहे होते हैं ना, एंड किस तरह मैनेज करना है रात का बैग, अगर अम्मी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है तो क्या बकवास बातें सोच रही थी। इतने में हुसैन केम रनिंग एंड ही सेड अच्छा वो तो रिवाइव कर रहे हैं। आई सेड व्हाट, एंड आई वेंट बैक इन एंड आई रिमेंबर आई हैड कॉल्ड माय कज़न डॉक्टर पाल। सो छाप भाई केम आउट एंड ही सेड शाहू वेंट करना है, एंड आई नो कि अम्मी ने हमेशा मना किया था, अम्मी ने सख्ती से मना किया हुआ था मुझे कभी वेंट पे नहीं करना। लेकिन सबा ने मुझे बाद में बताया कि शाहू वेंट का सीन था ही नहीं बिकॉज सबा वॉज स्टैंडिंग विद हर। तो मैंने कहा नो, एंड शी वॉज गॉन 11:21, सो जस्ट 21 मिनट्स दैट्स इट। एंड
I know that we brought her back home. I sat with her the whole night, Sabai and I sat with her and I bathed her. I did the dua. I did everything myself. So, matlab, mere cousins bhi the mere saath, jo mujhe hamesha yaad rahenge, because they were there with me that night. Sabah, main aur hum chaar panch ladkiyan. And I readied her. And ammi had gone in a lot of pain. To ammi ke na yahan pe thoda frown tha jab maine unko litaya hai. और सुबह मैंने आके ना अम्मी का चेहरा खोल दिया. जब मैंने चेहरा खोला, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, अम्मी हैड पिंक चीक्स, अम्मी हैड अ ग्लोइंग फेस एंड अम्मी हैड अ स्माइल. एंड आई नो कि मैंने रात में खुद लिटाया है विद अ फ्राउन एंड पैलर नहीं आ जाता एक जैसे जान निकलती है तो. और सुबह इतना पुरनूर और इतना खूबसूरत चेहरा था. और मतलब मैंने, मैं किसी के कहे नहीं कह रही हूँ, मैं तो मेरे सामने, और मैं सारी रात बैठी रही हूँ. एंड आई रिमेंबर, मैं बस तक गई हूँ क्योंकि मैं कब्रिस्तान नहीं गई थी, लेकिन कोई मेरे ख्याल से 30,000 आदमी होगा या 40,000 आदमी होगा. अम्मीज़ फ्यूनरल वाज लाइक ह्यूज एंड फॉर डेज टिकलर्स चल रहे थे और लोग बोल रहे थे. हम लोगों ने टीवी नहीं देखा है, वी गॉट टू नो, बट एकदम से जो चली गई तो वो गैप रह गया, वो हिट रह गया. तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ. आई होप कि हमें भी ऐसे ही मिले, हम भी ऐसे ही जाएं. अम्मी ने हमेशा ये कहा था कि चलते फिरते जाना, चलते फिरते जाना. लेकिन जो क्लोजर कहते हैं ना, वो नहीं, हाँ वो हमें नहीं मिला. तो हुसैन आए, सबा, हम लोग बड़े स्टैगर करे. अबू का तो अल्जाइमर्स था, तो अबू वुड रिमेंबर, अबू वुड फॉरगेट. तो अबू को हम कह देते थे कि अम्मी रिकॉर्डिंग पे हैं, शूटिंग पे हैं, लाहौर गई हुई हैं, पेशावर गई हुई हैं. और फिर हमने उनको इवेंचुअली बताना भी शुरू कर दिया था. एंड ही वुड से के हाँ ठीक है, मुझे भी जाना है. एंड आई वुड से आप आराम से बैठे, अम्मी आने नहीं देंगी. बहुत तंग किया था तो. बट अबू टुक 5 years टू गो. अबू अब वेंट नाउ 4 months अगो. लेकिन और अबू को बड़ा मैंने तंबी करके भेजा है. मैंने कहा खबरदार जो कोई लड़ाई की या तंग किया हो तो. लेकिन It's not easy. We all know that we have to let go of our parents. ये natural तरीका है. और अल्लाह मियाँ यही तरीका रखे, यही तरीका रखे. क्योंकि खुदा ना करे अपनी औलाद को कभी ना कब्र में उतारना पड़े. नहीं नहीं, वो उससे वो दुश्मन को भी ना कम मिले. अल्लाह मियाँ बस उससे बचाए. उससे बड़ा कोई दुखी नहीं दुनिया. हाँ, उससे बड़ा तो वाकई, मैं तो हमेशा माँ बाप को जाते देखना, मैं कहती हूँ ये भी एक सआदत होती है. और वी वर लकी कि हमें फिर भी एक उम्र मिली उनके साथ. वरना चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स एट मच यंगर एजेस. एंड पेरेंट्स की एक, मुझे याद है अम्मी जब गई थी तो मुझसे एक मेरी एक्स कोलीग थी, उसने मुझे फ़ोन किया कनाडा से. उसने कहा शाह सिर्फ एक बात कह रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी, सर से छत हट गई, अब धूप पता चलेगी. यू नो दैट इज़ सो ट्रू. दैट इज़ सो ट्रू. वो जो दुआ का एक साया सर पे रहता है.